तो बात है 2019 एशेज की। ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड आई थी। क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वो राइवलरी नए इतिहास रच रहा था। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम एक ऐसे मोड़ से जीती जहां उसका कोई चांस ही नहीं था। वजह थे स्टीव स्मिथ, जो कि वन मैन आर्मी बन अपने दम पर इंग्लैंड को मात दे गए। उन्हीं के चलते बैटिंग में कुछ दमखम लग रहा था, वरना तो सब कुछ गुड़गोबर था। अगले मैच में इंग्लैंड ने भी इनका तोड़ निकाला और जोफ्रा ऑर्चर नाम का विस्फोट कर दिया, जो कि अपने प्राइम में था। वो 150 प्लस का थंडर बोल्ट पहले स्मिथ की कलाई और फिर उनके सर में जा लगी। ये जनाब कंकसन के चलते बीच टेस्ट से टीम से बाहर। ऑस्ट्रेलिया बीच मझधार में फंसा हुआ था क्योंकि उसकी बैटिंग लाइनअप की जान निकल चुकी थी। ऐसे में मैदान पर एंट्री हुई स्मिथ के कंकसन सब्स्टिट्यूट की, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था। मैदान पर उतरा वो खिलाड़ी जिसे खिलाने पर भी डाउट था। पिछले 4 दिन वो मैदान पर सिर्फ पानी पिलाने आ रहा था, मगर अब वो एक ऐसे खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूट था जो कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सेकंड बेस्ट टेस्ट बैट्समैन था, टेस्ट का नंबर वन खिलाड़ी। और आते ही उसके मुंह पर ऑर्चर की तेज तर्रार बाउंसर लगी, वो मैदान पर गिर गया। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी सहम गए। ऑस्ट्रेलियन खेमा शॉक में था। अपनी शुरुआत में ही इनका करियर खत्म दिख रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। वो फिर उठ खड़ा हुआ और मैदान पर डट गया। उसे कई गेंदें लगी मगर वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में जान फूंक गया। ऐसा इम्पैक्ट डाला कि स्मिथ के लौटने पर भी उसे कोई बाहर नहीं कर सका। एक के बाद एक 50 लगाता गया और वो हर ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 का पक्का नाम बन गया। महज 35 पारियों में नंबर वन टेस्ट बैट्समैन बन गया। ये खिलाड़ी थे मार्नस लाबुशेन, जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और कंकसन सब्स्टिट्यूट शब्द को अपने नाम से रोशन कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कमजोर तकनीकी वाला वाटर बॉय कैसे टेस्ट क्रिकेट का अव्वल फनकार बन गया। मार्नस लाबुशेन का जन्म 22 जुलाई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के नॉर्दर्न प्रोविंस में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इनकी पैदाइश दक्षिण अफ्रीका की ही, लेकिन जब ये 10 साल के थे तो उनके पिता को माइनिंग इंडस्ट्री में नौकरी मिली, जिसके चलते 2004 में ये सब परिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। यहाँ इन्होंने पढ़ाई की और यहीं क्रिकेट की साधना की। स्कूल लेवल से ही क्रिकेट खेल रहे लाबुशेन ने अपने डोमेस्टिक करियर की शुरुआत 2014 में क्वींसलैंड से खेलते हुए की। क्वींसलैंड के लिए उन्होंने अंडर 12, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 क्रिकेट भी खेला, लेकिन उससे पहले 2010 में वे ब्रिस्बेन के चैनल 9 के लिए इंफ्रारेड कैमरा ऑपरेटर भी रहे, जहां वो पीटर सिडल के बर्थडे हैट्रिक के साक्षी रहे। यानी क्रिकेट खेलने से पहले ही ये क्रिकेट के मैदान में घुस गए। खैर, साल बीतते गए और ये जनाब अपनी दावेदारी पेश करते गए, जहां उन्होंने अपनी क्लासी बैटिंग से प्रभावित किया और सिलेक्टर्स को इनका अंदाज काफी पसंद आया, क्योंकि ये बड़ी सहजता से क्रीज पर खेला करते। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई छटपटाहट, बस बैटिंग और उनकी फुर्तीली फील्डिंग के सब कायल हो गए। यही कारण है कि भारत के खिलाफ 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया और बतौर सब्स्टिट्यूट फील्डर गाबर टेस्ट में उन्होंने वरुण अराउंड का एक शानदार कैच लिया, जो कि शॉर्ट लेग का सबसे सर्वश्रेष्ठ और कंट्रोवर्शियल कैच बना, मगर इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। ये डोमेस्टिक सर्किट में लगातार रन बनाते गए। शुरुआत में ये ओपनिंग किया करते, जो कि घंटों क्रीज पर खूंटा गाड़ने के लिए मशहूर थे, मगर नेशनल टीम के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर कहीं पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ 2018 में इन्हें डेब्यू करने का मौका मिला। अब वो कहते हैं ना, ये हर कोई शून्य से ही शुरू करता है। इन्होंने तो सही मायनों में शून्य के साथ ही शुरुआत की और अपने करियर के महज दूसरे ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। दूसरी पारी में महज 13 रन बनाए, 2 टेस्ट खेले, लेकिन एक भी पारी में इनका बल्ला नहीं चला। इतनी मुश्किलों से मौका मिला था, वो भी खराब चला गया। 2018 में तो यही मौके मिले थे, लेकिन आगे मौके मिलना मुश्किल था। मिलना भी था या नहीं पता नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की 1 साल के बैन के बाद टीम में वापसी हुई और एज एक्सपेक्टेड ये हर बार की तरह सिर्फ पानी पिलाते रह गए। ये मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन दिग्गजों से सजी उस सेटल टीम में अपनी जगह बनाना दिन में सपने देखने जैसा था। एक बात तो साफ थी, इन्हें कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था, वरना इनका करियर खत्म था। जैसा ही मौका मिला उसे ग्रैब करना था, मगर सवाल फिर वही, मौका मिलेगा या नहीं, और अगर हाँ तो कब। इसी अगर मगर काश के सिलसिले में वो मोड़ आया जब किस्मत ने एक अजीबो गरीब खेल खेला। इन्हें मौका तो मिला, मगर बड़े ही अनचाहे ढंग से। ऊपर वाले ने भी इनकी खूब अग्नि परीक्षा ली। तो बात है लॉर्ड्स टेस्ट की, जहाँ जोफ्रा ऑर्चर ने डेब्यू किया और उनके आतंक को हमने बखूबी देखा। टेस्ट क्रिकेट के मॉडर्न डे लेजेंड स्टीव स्मिथ को भी उनके सामने स्ट्रगल करते देखा गया। वो स्मिथ जिनका उस वक्त एवरेज 62 का था, जिन्हें आउट कर पाना दूसरे गेंदबाजों के लिए सपने सा था। ऑर्चर ने उस बंदे को हिला कर रख दिया और कंकसन के चलते वो टेस्ट से बाहर हो गए। लेकिन क्रिकेट में नया रूल आ चुका था कंकसन सब्स्टिट्यूट का, जहां एक टीम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ला सकती है उस खिलाड़ी के लिए। ऑस्ट्रेलियन कप्तान इसके लिए मिचेल मार्श को खिलाने के हक में थे, मगर फिर न जाने कैसे सलाह बदली और उस बंदे की टीम में एंट्री हुई जिस मैच का 12th मैन भी नहीं था, मार्नस लाबुशेन। एक तो करियर की शुरुआत इतनी ठंडी, खेले सिर्फ 2 टेस्ट वो भी फ्लॉप, ऊपर से मौका भी किसकी जगह मिला, स्टीव स्मिथ की जगह। काम तमाम करने के लिए इंग्लैंड का वो हॉस्टाइल क्राउड था ही, मगर हालात क्या पहले कम खराब थे। दूसरे क्रीज पर पहला बॉल ही जोफ्रा का खेलना था।
अगर आप भी उस मैच के हाईलाइट देखें तो जोफ्रा का निशाना बल्लेबाज का सर था। वो सिर्फ हेलमेट पर ही मार रहे थे, इन्हें भी पहली गेंद मुंह पर लगी और ये उसी क्षण मैदान पर गिर गए। बेन स्टोक्स का रिएक्शन सब कुछ भया करता रहा, सब कुछ लगभग एक ही बॉल में खत्म हो गया। लबुशेन चाहते तो कंकसन के चलते बाहर जा सकते थे, लेकिन वो उठ खड़े हुए, आर्चर की आंखों में आंखें डालकर इस युद्ध का बिगुल बजा दिया, जिससे बात साफ हो गई कि ये बंदा अब पीछे नहीं हटेगा, सिर्फ आगे जाएगा और बहुत आगे जाएगा। और क्या ही खेले फिर, इस पारी में 50 जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूर कर दिया उन्हें टीम में रखने के लिए। पर स्मिथ वापस तो आए लेकिन इन्हें बाहर नहीं किया गया और तब से लेकर आज तक नंबर 3 पर इनका नाम परमानेंट हो गया है। इसके बाद हेडिंगले टेस्ट की दोनों पारियों में 74 और फिर 80 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को पार लगाया। लगातार 4 बार 50 लगाई। मौके को कैसे बुनाते हैं कोई इनसे सीखे। जनाब ने वो छोटे से कॉरिडोर से अपना आशियाना खड़ा कर दिया। साल 2019 इन्हीं का हो गया जहां इन्होंने 11 टेस्ट की मात्र 17 पारियों में ही 65 के एवरेज से 1104 रन ठोक दिए, जिसमें 3 शतक और 7 50 थी। पाकिस्तान के खिलाफ गाबा में 2019 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, 185 रनों की लाजवाब पारी खेल दी और आगे इनकी बल्लेबाजी में और निखार आता गया। 2020 में कोविड के चलते इन्होंने महज 3 टेस्ट ही खेले, मगर वहां भी अपनी छाप छोड़ दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक भी जड़ दिया, 215 रन ठोक दिए। 2020 में ही भारत के खिलाफ 3 ओडीआई के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम में इनका नाम आया, यहां अपना पहला 50 बनाया तो अगले दौरे पर दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला 100। मगर व्हाइट बॉल में इनका उतना दबदबा नहीं हो सका जितना रेड बॉल में इनका रुतबा था। यही कारण था कि ओडीआई टीम से ये अंदर बाहर होते रहे, मगर टेस्ट क्रिकेट में ये शहंशाह बन गए। 2021 में तो इन्होंने इतिहास रच दिया, केवल 35 पारियों में नंबर 1 बैट्समैन बन गए और जिस स्टीव स्मिथ को इन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में रिप्लेस किया था, टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत में भी अब कुछ वैसा ही होने लगा। हाँ, 2023 इनके लिए जरा फीका रहा जहां इन्होंने रन भले ही 803 बनाए लेकिन ना तो स्ट्राइक रेट कुछ खास और एवरेज 35 से भी नीचे। लेकिन इसी साल 2 ICC ट्रॉफी जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के ये अभिनंग बने। WTC फाइनल में तो इनकी सीट कंफर्म थी और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान भी था, लेकिन वर्ल्ड कप में इन्हें प्रोविजनल स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली थी। कारण साफ था, टेस्ट जैसा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ODI में नहीं आया, कई छोटे स्कोर जिसके चलते इनकी एवरेज काफी कम थी। एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद थे टीम में, एंकर स्मिथ तो थे ही, इनका कोई चांस नहीं था। मगर एक बार फिर 2019 का रिप्लिका हुआ, बस फॉर्मेट अलग था, साल अलग था, मगर नाम सेम थे। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज खेलनी थी जिसमें लबुशेन को 15 में भी जगह नहीं मिली, लेकिन सीरीज से पहले स्मिथ की कलाई में चोट लग गई, एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन टूटी। मगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी तो अब चाहिए थी, तो बिना किसी डाउट के इन्हें 15 में शामिल किया गया और फिर वो पहला ODI, एक बेहद ही मुश्किल विकेट, बैटिंग काफी मुश्किल और वहाँ कैमरन ग्रीन के सर में बॉल लग गई, ये मैच से बाहर हो गए और कंकसन सब्स्टिट्यूट कौन आया, खुद लबुशेन। 223 की चेज में ऑस्ट्रेलिया 113 पर 7 था, मैच लगभग साउथ अफ्रीका जीत चुका था, मगर वहाँ ये जना बढ़ गए साउथ अफ्रीका और जीत के बीच अकेले मैच निकाल कर लेकर गए। 80 रन बाद मैच खत्म करके आए और ऑस्ट्रेलिया उस खिलाड़ी की वजह से मैच जीत गया जो कि टीम में नहीं था। अगले मैच में तो इन्हें टीम में खिलाना ही पड़ा, तो इन्होंने महज 99 गेंद में 124 रन ठोक दिए। अब इन्हें बाहर करना इम्पॉसिबल हो गया। सिलेक्टर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन्हें वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं और टीम में किसकी जगह लाए। तभी ट्रेविस हेड का हाथ फ्रैक्चर हो गया और एशडन एगर भी इंजर्ड हो गए, तब एगर की जगह इन्हें ऑस्ट्रेलिया के फाइनल स्क्वाड में चुना गया और आखिरकार एक स्पिनर कम खिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इन पर दांव खेल दिया। वर्ल्ड कप में इन्होंने 10 मैच खेले और 40 की ठीक ठाक एवरेज से 362 रन बनाए, लेकिन सबसे खास पारी थी फाइनल में जब ट्रेविस हेड एक तरफ से कूटते गए, मार्नस बिल्कुल शांत एक गेंद ब्लॉक करके खड़े रहे, ये काफी डिफेंसिव और सूझबूझ से खेले। इन्हीं की पारी ने हेड को भरोसा दिया और ये आखिर तक नॉट आउट खड़े रहे, 110 गेंदों में संयम भरे 58 रन बनाए। इनके कोच का कहना है कि ये बंदा कभी हार नहीं मानता, मार्नस कभी चमत्कारों में विश्वास करना नहीं छोड़ते, हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, कोई चोटिल हो जाए, किसी को कंकसन हो जाए, कोई मैच खेले या न खेले, ये अवेलेबल रहते हैं और हमेशा बाजी मार जाते हैं। तो ऐसे हैं मार्नस लबुशेन, जिनके जीवन से सिर्फ एक ही सीख मिलती है, कुछ भी हो जाए, दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, नेवर गिव अप, कभी भी सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस न छोड़िए। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया। BBL में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ मैच में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे लबुशेन ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। अब वसूल के हिसाब से स्ट्राइक इनके पास बनती थी, लेकिन अगले ओवर में सैम बेलिंग्स स्ट्राइक पर आ गए और इनाम स्ट्राइक रन पर, जिसे देखकर सब चौंक गए। पहली गेंद पर बेलिंग्स ने सिंगल लिया, अगली गेंद पर लबुशेन आउट, मतलब अलग ही लेवल की कॉमेडी होगी। अभी बंदा अजीब है, जब तक क्रीज पर होता है कुछ ना कुछ खुराफात चलता रहता है। मार्नस लबुशेन ने अभी तक अपने करियर में 46 टेस्ट 49 ODI और सिर्फ एक T20 खेला है। टेस्ट में 52.6 की औसत से 3996 रन बनाए हैं और ODI में भी 1630 रन ही इनके नाम है। तो ये थी कहानी ऑस्ट्रेलियन टीम के संकट मोचक मार्नस लबुशेन की। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।